असलम बच्चों, कैसे हैं आप? आज हमारा फिजिक्स का सेकंड लेक्चर है, मैट्रिक क्लास फिजिक्स का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में आपसे बात हुई थी हमारी पेपर पैटर्न के हवाले से, और हमने आपको बताया था कि फिजिक्स के बारे में डिस्कशन हुई थी हमारी। जस्ट वी हैव डिस्कस अबाउट डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स, और उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। उसके बाद आज जो मेरा मेन टॉपिक है वो मैंने ऑलरेडी बोर्ड पर आप लोगों के लिए कॉपी कर दिया है। आप लोग चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और चाहे तो उसको अपने नोटबुक के अंदर कॉपी भी कर सकते हैं। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। ठीक है, सबसे पहले मैं अपना लेक्चर कनेक्ट करूंगा पिछले लेक्चर से, जो कि था हमने छोड़ा था व्हाट इज फिजिक्स पे। सो व्हाट इज फिजिक्स, एंड आई हैव टोल्ड यू कि फिजिक्स है इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड एनर्जी अलॉन्ग विद देयर इंटरेक्शन। यानी अगर इसको हम समझाएं आपको, तो फिजिक्स बेसिकली मैटर, इसी भी मैटर, यानी मैटर आपको लास्ट क्लास में समझाया कि मैटर इज एनीथिंग दैट हैज सम मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस। ठीक है, इसका मतलब हमारे इर्द गिर्द आप जहां भी नजर दौड़ाएंगे हर तरफ आपको कोई ना कोई मास जरूर नजर आएगा। ठीक है, इवन इनफैक्ट आप खुद भी एक मास है, चूंकि आपका आपके पास एक मास है और आप कोई जगह ऑक्यूपाई किए हुए हैं। इसका मतलब है वी आर सेल्फ ऑल्सो आर मैटर। ठीक है, किसी भी मैटर का जब किसी एनर्जी के साथ इंटरेक्शन होगा, एनर्जी क्या है, एनर्जी ऑफ मेनी काइंड्स, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, सोलर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, बहुत सारी एनर्जीज होती है हमारे पास, साउंड एनर्जी है, हर किस्म की एनर्जी जब किसी भी मैटर के साथ इंटरेक्शन में आती है तो उससे मिलके जो भी फिनोमेना अकर होता है उसे हम स्टडी ऑफ फिजिक्स कहते हैं। यानी उस साइंस में स्टडी करते हैं जिस साइंस को हम फिजिक्स का नाम देते हैं। ठीक है, इसके इसके लिए मैंने आपको दो तीन एग्जाम्पल दी थी, जैसे कि मूविंग ऑन अ ग्राउंड। ठीक है, मैं अगर ग्राउंड पे चल रहा हूँ तो ये फिजिक्स है, क्योंकि मैं एक मैटर हूँ और मैं एनर्जी लगा रहा हूँ, अपनी मस्कुलर एनर्जी, अपनी बॉडी की एनर्जी लगाकर मूव कर रहा हूँ, तो बेसिकली ये भी फिजिक्स है। मूविंग ऑन अ ग्राउंड इज ऑल्सो अ फिजिक्स, मूविंग अ फैन, फैन इज ऑल्सो अ फिजिक्स। हाउ? बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी इज कंज्यूम बाय अ फैन, एंड फैन इज अ मैकेनिकल डिवाइस और इलेक्ट्रिकल डिवाइस एज वेल। इट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द मैकेनिकल एनर्जी इन फैन, और आपको जो है वो फैन चलता हुआ नजर आता है। इसका मतलब है किसी भी मैटर में अगर आप एनर्जी डाल दें तो वो, या मैटर एनर्जी का इंटरेक्शन आप कहीं भी देखेंगे अपनी डेली लाइफ में, तो वो फिजिक्स कहलाएगा। ठीक है, इसी डेफिनेशन को एलाबोरेट करने के लिए हमारा टॉपिक है नेक्स्ट, ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। ठीक है, यानी आपको बताया जा रहा है इस टॉपिक के जरिए कि देखिए फिजिक्स की जो डेफिनेशन आपको बताई है वो हमारी डेली लाइफ में कितनी ब्रांचेस में इन्वॉल्व है। तो आप देख सकते हैं बोर्ड पे मैंने 9 ब्रांचेस जो है मैंने यहाँ पे लिख दी है बोर्ड पे आपके सामने। देखिए ये 9 वो है जो आपके बुक में आपको मिलेंगी, आपके नोट्स में आपको मिलेंगी। इसके अलावा भी बहुत सी ब्रांचेस है फिजिक्स की जो कि डील फिजिक्स में डील की जाती है। ठीक है, हम ये 9 को पर्टिकुलर डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारे कोर्स में 9 है। ठीक है, और ये इस बात का अंदाजा लगाते हैं लगाया जा सकता है इससे कि देखिए फिजिक्स कितनी रियलिटी लाइफ से कितनी मिली जुड़ी हुई है, और हर जगह पर हर फील्ड के अंदर फिजिक्स अपना काम कर रही है। ठीक है, सबसे पहली ब्रांच को अगर मैं डिस्कस करूं आपके सामने, तो सबसे पहली ब्रांच हमारे पास है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स इज द फर्स्ट ब्रांच, और क्या कहता है मैकेनिक्स के अंदर, मैकेनिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द मोशन ऑफ बॉडीज अंडर द एक्शन ऑफ गिवन फोर्सेस। इसका मतलब है कोई भी बॉडी जब मूव करेगी, याद रखिए मेरी बात, मैं इस वाली आपकी हेडिंग को मैकेनिक्स जो कि फर्स्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स मैंने लिखी है बोर्ड के ऊपर, मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। मैकेनिक्स वो ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें किसी भी बॉडी के मोशन को स्टडी किया जाता है, और वो मोशन जाहिर सी बात है किसी फोर्स के अंडर किया जा रहा होगा। जैसे कि मैं छोटी सी एग्जांपल दूं, मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया आपसे फैन का, अगर फैन मूव कर रहा है तो इट मींस ये इसका मोशन, एंड हमें मोशन को कहां पढ़ना है, मोशन को हमने फिजिक्स की मैकेनिक्स ब्रांच में पढ़ना है। ठीक है, किसी भी बॉडी का मोशन हम मैकेनिक्स में पढ़ेंगे, और हमेशा उस मोशन के पीछे क्या होगा, अंडर द एक्शन ऑफ अ गिवन फोर्सेस, किसी भी फोर्सेस की बिना पर, किसी भी फोर्सेस के लगने की वजह से जब बॉडी में मोशन आएगा, और उस मोशन को स्टडी करने के लिए हम फिजिक्स की मैकेनिक्स ब्रांच को देखेंगे। जैसे कि मैंने अभी अच्छा कहा मूविंग ऑन अ फ्लोर, अ मैन इज मूविंग ऑन अ फ्लोर, तो इसमें क्या है, मैन मूव कर रहा है, इसका मतलब उसका कुछ मोशन है, और मोशन इसके पीछे जरूर कोई फोर्सेज होंगी। तो जब भी किसी फोर्स की वजह से किसी भी बॉडी में मोशन आ जाए तो इसका मतलब है उस बॉडी को हम स्टडी करेंगे अंडर द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच इज नेम्ड मैकेनिक्स। ठीक है, इसी तरह कार इज मूविंग ऑन रोड। ठीक है, अ पेन इज ड्रॉप फ्रॉम माय हैंड टू द ग्राउंड, ये सब मोशन है, पेन का ड्रॉप होना एक मोशन है,
गाड़ी के चलना एक मोशन है, एरोप्लेन का फ्लाई करना एक मोशन है। तो इस तमाम के तमाम मोशन हम किस में डील करेंगे, हम मैकेनिक्स की ब्रांच में डील करेंगे। ठीक है, यहां पर बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट ब्रांच में जा रहा हूँ। इस तरह मैं तमाम ब्रांचेस को ब्रीफली डिस्कस करूंगा। मकसद सिर्फ ये नहीं कि आप इस ब्रांच की डेफिनेशन का रटा लगा लें और जो है दो लाइनें लिखी मैंने आप याद कर लें, लिख लें अपने पास। मकसद ये नहीं है, मकसद ये है पढ़ाने का आपको, एक ही ब्रांच को डिटेल में पढ़ाने का मकसद ये है कि आपको हर ब्रांच में फिजिक्स नजर आए और आप फिजिक्स की इंपॉर्टेंस जान सकें। ठीक है, मकसद सारा ये है आपको बताने का। और जब भी आपसे कोई फिजिक्स की कोई भी ब्रांच के बारे में पूछते तो आप उसको एग्जाम्पल देके बता सकें कि इस तरह इस ब्रांच में या इस फील्ड में हमारे पास फिजिक्स काम करती है। ठीक है, अब चलते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी की तरफ। और ये भी मैं जिक्र कर चुका हूं कि इलेक्ट्रिसिटी वो ब्रांच है फिजिक्स की दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड देयर इफेक्ट्स एट रेस्ट और मोशन। इसका मतलब क्या है कि फिजिक्स वो ब्रांच, फिजिक्स में ये ब्रांच भी स्टडी की जाती है और इस ब्रांच का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इस इलेक्ट्रिसिटी की ब्रांच में हम क्या डील कर रहे होते हैं, हम डील करते हैं स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस। स्टडी ऑफ, मैं पॉइंट कर रहा हूं आपको, देखें स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस कितने किस्म के होते हैं, दो किस्म के होते हैं, आप सब बच्चों को पता होना चाहिए। नहीं पता तो मैं बता देता हूं, इलेक्ट्रिक चार्जेस बेटा दो किस्म के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। ठीक है, कभी भी आपने बैटरी के ऊपर कोई निशान देखे हो या आपके पास कोई रिमोट कंट्रोल हो उसके अंदर सेल्स चलते हैं, किसी भी बैटरी में सेल चलते हैं, तो सेल्स के ऊपर भी आप देखें पॉजिटिव एंड नेगेटिव का निशान होता है। ठीक है, पॉजिटिव इंडिकेट पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव इंडिकेट नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और मेरे ख्याल से बच्चों को बात पता होगी कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यही बात अगर मैं करूँ कि नेगेटिव के साथ एक नेगेटिव चार्ज ले आऊं तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो बेसिकली ये मेरा मकसद नहीं है आपको सिखाना, मेरा मकसद है आपको ब्रांच के बारे में बताना। ठीक है, तो गौर करिएगा आप ब्रांचेस की डेफिनेशन के ऊपर। इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस को और उनके इफेक्ट्स को, जब वो रेस्ट में हो और मोशन पे हो, उनके इफेक्ट्स को स्टडी करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। जैसे कि मैं छोटी सी एग्जांपल दूं, हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। ठीक है, जब हमारी लाइट जाती है या लोड शेडिंग होती है हमारे पास, तो लाइट या आपके फैंस, आपकी लाइट, आपके एसी, आपके रेफ्रिजरेटर्स, आपके सब तमाम चीजें इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ऑफ हो जाती है। वजह क्या है इसके ऑफ होने की, जैसे ही ऑफ होती है, जैसी लाइट जाती है, तो इनमें चार्जेस का फ्लो है। किस चार्जेस का फ्लो, इलेक्ट्रिक चार्जेस का, दे आर नेगेटिव एंड पॉजिटिव। जो इलेक्ट्रिक चार्जेस है उनका फ्लो रुक जाता है, जैसे ही उनका फ्लो रुकता है यानी वो किस पे आते हैं, रेस्ट पे आते हैं, तो हमारे पास लोड शेडिंग हो जाती है या हमारे जितने भी अप्लायंसेज हैं इलेक्ट्रिकल वो ऑफ हो जाते हैं। ठीक है, और जब ये मूव करते हैं, फॉर एग्जाम्पल लाइट आती है या हम कोई भी स्विच अपना ऑन करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके घर में लाइट्स हैं, फैंस हैं, अगर आप उनका बटन ऑन करते हैं, इसका मतलब बटन ऑन करने पर करंट का फ्लो, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो क्या है, चार्जेस का फ्लो। ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस जब फ्लो करते हैं, और फ्लो करने का मतलब क्या हुआ कि चार्जेस किस में आ गए, मोशन में आ गए। तो इसका मतलब है कि फिजिक्स की ये बहुत बड़ी ब्रांच है और बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है कि हम सब के पास अल्हम्दुलिल्लाह हम इस एज में है कि हम तमाम शहरों में तमाम जगहों पे इलेक्ट्रिसिटी हमें मुहैया है। ठीक है, और वो किसकी मदद है, वो है फिजिक्स की। फिजिक्स की वजह से ही हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी पहुंची है और इलेक्ट्रिसिटी दरियाफ्त हुई है, क्योंकि फिजिक्स की ब्रांच है पूरी। और फिजिक्स में हमने ये सीखा कि इलेक्ट्रिकल चार्जेस जब रेस्ट होते हैं और मोशन होते हैं, तो उनकी स्टडी को हम इलेक्ट्रिसिटी में स्टडी करते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो कि हमारी सेकंड ब्रांच थी। नाउ थर्ड ब्रांच इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, ये भी बहुत इजी है और बहुत ज्यादा लिंक करती है आपकी इलेक्ट्रिसिटी की ब्रांच से। कैसे, देखिए इसके नाम में आपको समझ में आ रहा होगा, पहला पार्ट है इसका इलेक्ट्रो, फिर है मैग्नेटिज्म। इसका मतलब ये हुआ इलेक्ट्रिसिटी तो पढ़ ली हमने, लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को मैग्नेट से मिला देंगे, यानी मैग्नेटिज्म के फिनोमेना से मिला देंगे, तो ये बन जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं आपको, एग्जांपल से बताएंगे आपको, पहले ब्रांच को रीड आउट कर लेते हैं फिर आपको एग्जांपल से बताऊंगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ
observations and all the laws relating electricity and magnetism, relating electricity to magnetism, यानी ऐसे तमाम लॉज जो अब तक फिजिक्स में बने, ठीक है, फिजिक्स बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, फिजिक्स में ऐसे तमाम लॉज और तमाम ऑब्जर्वेशंस जो सिर्फ किसके लिए बिलोंग करती हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को मैग्नेटिज्म से बिलोंग करती हैं, ये रिलेट करती हैं, उन तमाम चीजों को किस में स्टडी किया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। अब इसकी एग्जांपल देते हैं आपको, ठीक है, आप लोगों को इतना आइडिया ना हो लेकिन इंशाल्लाह फिजिक्स के कोर्स में जब आगे के चैप्टर हो जाएंगे तो आपको भरपूर अंदाजा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कितनी इंपॉर्टेंट ब्रांच है फिजिक्स की। ठीक है, एग्जाम्पल इसकी है कि जितनी भी मोटर्स होती हैं, जितने भी एसी जनरेटर्स होते हैं, जनरेटर जो कि फॉर एग्जाम्पल आपकी लाइट गई है, जब लाइट जाती है तो आपकी बिल्डिंग्स में शॉप्स पे जनरेटर ऑन करते हैं, तो जनरेटर में बेसिकली मैग्नेट लगा होता है, वो मैग्नेट के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, कॉइल उनमें रोटेट करती है और कॉइल रोटेट करने पर मैग्नेट्स की वजह से आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मैग्नेटिज्म का इलेक्ट्रिसिटी से बड़ा गहरा ताल्लुक है और इस ताल्लुक का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, अब हम चलते हैं नंबर फोर ब्रांच के ऊपर, तीन ब्रांचेस हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, फोर्थ ब्रांच हमें कह रही है, उसका नाम है एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स अपने नाम में ही उसका जवाब आपको मिल जाएगा कि एटॉमिक फिजिक्स स्टडी करेगी एटम्स के स्ट्रक्चर्स में, एटम की प्रॉपर्टीज में और तमाम एटम की चीजों में जो कि आउटसाइड द न्यूक्लियस होते हैं। देखिए आइए पढ़ते हैं इसको, एटॉमिक फिजिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्ट्रक्चर, मेन पॉइंट इज स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स। एटॉमिक फिजिक्स की स्टडी करती है स्ट्रक्चर्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम एज डिटरमाइंड बाय द इलेक्ट्रॉन्स, यहां इंपॉर्टेंट बात आई है, डिटरमाइंड बाय द इलेक्ट्रॉन्स, एटम की वो तमाम प्रॉपर्टीज और एटम के वो तमाम स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं जो कि हमें इलेक्ट्रॉन्स की मदद से सामने आए हैं आउटसाइड द न्यूक्लियस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा न्यूक्लियस के आउटसाइड रिवॉल्व करते हैं। आप लोगों ने 9th क्लास के अंदर केमिस्ट्री पढ़ी होगी और बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ी होगी आप लोगों ने, उसमें आपने ये सीखा होगा कि एटम के स्ट्रक्चर में बीच में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अराउंड कुछ इमेजिनरी ऑर्बिट्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ये आप लोगों ने अपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो देखिए यही बात बताने जा रहे हैं आपको कि ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की एटॉमिक फिजिक्स जिसमें हम स्टडी करते हैं क्या चीज, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज ऑफ एन एटम, एक एटम की प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर हम स्टडी करते हैं डिटरमाइंड बाय इलेक्ट्रॉन जो कि इलेक्ट्रॉन की मदद से हमें हासिल हुई है आउटसाइड द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के बाहर जो भी स्ट्रक्चर और जो भी प्रॉपर्टीज है किसी एटम की उसको हम एटॉमिक फिजिक्स में स्टडी करते हैं। तो आप देखिए सर न्यूक्लियस को कभी स्टडी करते हैं, न्यूक्लियस की स्टडी क्या इसमें नहीं आएगी, न्यूक्लियस की स्टडी इसमें जरूर आएगी लेकिन न्यूक्लियस की या न्यूक्लियस की अपनी एक पर्टिकुलर स्टडी को हम नाम देते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स का जो कि हमारी फिफ्थ ब्रांच है। ठीक है, तो अब आइए फिफ्थ ब्रांच की तरफ रीड करते हैं तो आपको दोनों में फर्क समझ में आ जाएगा। न्यूक्लियर फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द, देखिए जरा बोलते हैं, दैट डील्स विद द प्रॉपर्टीज स्ट्रक्चर, देखिए सेम है यहां पर भी क्या था प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर, तो क्या लिखा हुआ है न्यूक्लियर फिजिक्स डील्स विद द प्रॉपर्टीज स्ट्रक्चर्स एंड रिएक्शन बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स। न्यूक्लियाई के बाद देखें यानी जब एटम की बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज डिटरमाइन हुई है इलेक्ट्रॉन्स की मदद से तो वो हम पढ़ेंगे एटॉमिक फिजिक्स के अंदर, लेकिन जब हम पर्टिकुलरली किसी न्यूक्लियस की बात करेंगे, इसके कहने का मतलब ये हरगिज नहीं है कि इसमें न्यूक्लियस इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन न्यूक्लियस के पर्टिकुलर रिएक्शन और न्यूक्लियस की पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए हम हमेशा न्यूक्लियर फिजिक्स से कंसर्न करते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर फिजिक्स बकायदा एक सेपरेट ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम सिर्फ न्यूक्लियस को स्टडी कर रहे होते हैं और इसमें तमाम एटम्स के न्यूक्लियस को हम स्टडी करते हैं। लिहाजा इस पर हमारी फाइव ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स खत्म हो चुकी है, नाउ वी आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स द सिक्स्थ ब्रांच एंड दैट इज प्लाज्मा फिजिक्स। व्हाट डू यू मीन बाय प्लाज्मा फिजिक्स? ठीक है, अक्सर बच्चे जो है प्लाज्मा के बारे में बड़े कंफ्यूज होते हैं, तो पहले प्लाज्मा को अलग से बता दीजिए क्या है, उसके बाद हम प्लाज्मा फिजिक्स सीखेंगे। प्लाज्मा बेसिकली आपने पढ़ा होगा कि इट इज अ फोर्थ स्टेट ऑफ अ मैटर, मैटर की तीन स्टेट्स तो आपने पढ़ी है सॉलिड लिक्विड एंड गैस, एंड प्लाज्मा इज जस्ट अ फोर्थ स्टेट ऑफ
मेथड। यहाँ पे जो बात होगी प्लाज्मा फेज की, वो क्या हो रही है कि हम प्लाज्मा फेज में क्या चीज फील करते हैं, क्या पढ़ते हैं। देखिए आप, हर ब्रांच एक दूसरे से मुख्तलिफ है, हर ब्रांच का अपना काम है, जिसमें वो अपनी अपनी चीजें, अपने अपने सब्जेक्ट, अपने अपने जो है डिजायर जो है वो टॉपिक्स कवर कर रहा होता है। ठीक है, यहां पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ प्लाज्मा फेज को। प्लाज्मा फेज में क्या लिख किया जाता है, डील्स विद द प्लाज्मास, डील्स विद द प्लाज्मास, यानी प्लाज्मा फेज के अंदर हम प्लाज्मास से डील कर रहे होते हैं। अभी प्लाज्मास क्या है, आगे देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है, हाईली आयनाइज्ड एटम्स, हाईली आयनाइज्ड एटम, ये गैसेस फॉर्म में होते हैं और इसको बोल रहा आयनाइज कर दिया जाता है जब एटम्स को, तो वो प्लाज्मा की सूरत तैयार हो जाते हैं। तो कह रहे हैं कि जब हम प्लाज्मा यानी हाईली आयनाइज्ड एटम को और एन देयर इंटरेक्शन, देयर फॉर्म आयनाइज्ड एटम्स And their interactions with electric or magnetic field. इसका मतलब है कि जब हम highly ionized particle को, समझना है बहुत गौर से आपने, highly ionized particles यानी प्लाज्मास, जब हम उसको स्टडी करते हैं और उसके इफेक्ट देखते हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में, यानी एक मैग्नेटिक फील्ड मैंने सेट कर दी है, उस मैग्नेटिक फील्ड में मैंने highly ionized जो प्लाज्मा है, जो पार्टिकल यानी एटम्स है, उसको मैंने रख के स्टडी किया कि वो कैसे बिहेव कर रहा है और कि क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो ये तमाम तर चीजें जो है हम स्टडी करते हैं अपनी प्लाज्मा फेज के अंदर। ठीक है, ये हमारी सिक्स ब्रांच थी और अब हम जा रहे हैं सेवन ब्रांच की तरफ, और वो सेवन ब्रांच क्या है, बायोफिजिक्स। बायोफिजिक्स सबसे आसान है, आपको पता है कि अगर बायोलॉजी के सब्जेक्ट में, बायोलॉजी क्या है, लाइफ, बायोलॉजी इज अ लाइफ, इट मींस लिविंग थिंग्स को स्टडी करना, आप कह सकते हैं इसमें ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स एंड बर्ड्स एंड प्लांट्स जो भी है इसमें स्टडी करते हैं, लेकिन बायोलॉजी का मतलब बायोलॉजिकल फंक्शंस, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, ठीक है, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके अंदर जहां जहां फिजिक्स इन्वॉल्व है उसको हम डील करते हैं बायोफिजिक्स के अंदर। जैसे कि डेफिनेशन लिखी हुई है कि बायोफिजिक्स डील्स विद द मैथड्स ऑफ फिजिक्स टू द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेसेस, यानी तमाम तर लिविंग थिंग्स के अंदर बायोलॉजिकल प्रोसेसेस और बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स को अगर आप देखें तो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स इन बायोलॉजिकल प्रोसेस में जितने भी फिजिक्स के मेथड अप्लाई हो रहे हैं उसको हम स्टडी करते हैं बायोफिजिक्स के अंदर। ठीक है, इस तरह हमारी सेवन ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, होपफुली आपको तमाम चीजें समझ में आ रही होंगी, अगर नहीं आ रही आपको चीजें समझ में तो आप काइंडली पूछ सकते हैं, क्वेश्चन रेज कर सकते हैं अपना हैंड रेज करके। ठीक है, या चैट बॉक्स के थ्रू आप हमें अपना क्यूरी भेज सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज नंबर एट विच इज एस्ट्रोफिजिक्स। अब एस्ट्रोफिजिक्स क्या है, बहुत से बच्चों को पता होता है, बहुत से बच्चों को नहीं पता कि एस्ट्रोफिजिक्स क्या है, और ये नया वर्ड है उनकी लाइफ के अंदर, तो उसको जरा बता देते हैं। एस्ट्रो मीन्स, और एस्ट्रोनॉमी स्टडी मीन्स के आउट ऑफ इन द स्पेस, स्पेस स्टडी को एस्ट्रोनॉट्स कहते हैं, या वो लोग जो स्पेस में जाते हैं, स्पेस में ट्रेवल करते हैं, स्पेस आपकी सैटेलाइट्स के थ्रू, और चांद पे जाते हैं, मून पे जाते हैं, और डिफरेंट प्लैनेट्स के बारे में सर्चिंग सर्च आउट करते रहते हैं, उन पे रिसर्च बेस पे काम करते हैं, उन सबको हम एस्ट्रोफिजिक्स में डील करते हैं। देखिए लिखा हुआ है, डील्स विद द एप्लीकेशंस ऑफ मॉडर्न फिजिक्स टू द प्रॉब्लम्स ऑफ एस्ट्रोनॉमी, यानी मॉडर्न फिजिक्स को अगर हम एस्ट्रोनॉमी की कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग में या उसके किसी भी काम के अंदर, एस्ट्रोनॉमी के काम में अगर हम फिजिक्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं तो बेसिकली वो एस्ट्रो फिजिक्स है, जिसमें बहुत सारी चीजें जैसे कि रॉकेट लॉन्च करना, सैटेलाइट लॉन्च करना, ठीक है, हर मुल्क में अपनी सैटेलाइट लॉन्च करनी है, हर मुल्क जो है कॉम्पिटिशन में है कि हमारी सैटेलाइट ज्यादा हो या हमारी सैटेलाइट का जो नेटवर्क है वो स्पेस में स्ट्रॉन्ग हो, तो सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए पहले उन्हें एस्ट्रोफिजिक्स से गुजरना पड़ता है। एस्ट्रोफिजिक्स वो तमाम लॉज, वो तमाम इंडिकेटर्स, वो तमाम डायरेक्शंस और तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करता है जो कि स्पेस में काम आती है, और कोई भी ऐसे ही विदाउट एस्ट्रोफिजिक्स पढ़े हुए कोई अपना रॉकेट लॉन्च या अपनी सैटेलाइट लॉन्च नहीं कर सकता। इसका मतलब अगर हमें दुनिया से बाहर स्पेस में कोई वर्किंग करनी है तो उसके लिए हमें एस्ट्रोफिजिक्स जो है उसको कवर करना पड़ेगा। तो आप ये देख रहे हैं कि फिजिक्स एक ऐसी फील्ड है जिसने दुनिया के हर हिस्से को कवर किया है, चाहे वो मैकेनिक्स हो, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, स्पेस हो गई, इंसानी जिंदगी हो गई, बायोफिजिक्स हो गया, न्यूक्लियस हो गया, इवन एटम से लेके हर चीज तक को हमने या फिजिक्स से ऑक्यूपाई कर लिया है। तो आप देखिए फिजिक्स जो है हमारी डेली लाइफ में किस तरह से जो है इन्वॉल्व हो चुकी है, तो उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, तो इसलिए ये चैप्टर, ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत जरूरी है।
लास्ट जो ब्रांच है हमारे पास वो है सॉलिड स्टेट फिजिक्स। ठीक है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स की अगर मैं बात करूं आपसे तो ये हमारी बुक के मुताबिक या आपके कोर्स के मुताबिक इट इज द लास्ट ब्रांच, बट इसके अलावा भी बहुत सारी ब्रांच होती है। ऑप्टिकल फिजिक्स है, ठीक है, इसमें लाइट फिजिक्स कहते हैं हम, ठीक है, साउंड के हिसाब से गलत फिजिक्स का पैमाना है, वो एक अलग चीज है। यहाँ पे डिस्कशन नहीं की गई क्योंकि आपकी बुक में नहीं हो तो मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर आप लोगों ने सवाल करने होंगे नहीं सर हमें साउंड के हवाले से ही बताएं कि फेस कैसे काम कर रही है, हमें लाइट के हिसाब से ही बताएं कि फेस कैसे काम कर रही है, ठीक है, हीट के हिसाब से बताएं कि हीट के हिसाब से कैसे काम कर रही है, तो बहुत सारी फेस की ब्रांचेस है। मतलब ये लिमिटेशन नहीं है कोई इस ब्रांचेस की, या ये लिमिटेड ब्रांचेस नहीं है कि आप कहेंगे सर सिर्फ यही 9 ब्रांचेस है हमारे पास फेस की, ऐसा नहीं है, बेहद अच्छा ब्रांचेस है, लेकिन हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ 9 ब्रांचेस है जो कि आपकी बुक में आपके नोट्स वगैरह में होंगी। लेकिन इसके अलावा भी किसी बच्चे को अगर सवाल करना हो फाइनली वो कर सकता है, किसी भी ब्रांच के बारे में उसे पूछना हो तो वो पूछ सकता है। ठीक है, अब हम चलते हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स के ऊपर। सॉलिड स्टेट फिजिक्स ओनली डील विद द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स बेसिकली आर द 3D स्ट्रक्चर्स, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि फिक्स होते हैं। मैं रीड आउट करता हूं, देखें, सॉलिड स्टेट फिजिक्स डील्स विद द प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन ओनली। ठीक है, जुमला लिखा है इसको याद रखिएगा, प्रॉपर्टीज तो हो गया, किसकी प्रॉपर्टीज करनी है इसमें, ओनली क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, अगर आप तो पूछ रहे हो व्हाट आर द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स, वैसे तो आप केमिस्ट्री में पढ़ के आ रहे हैं कि क्रिस्टलाइन फॉर्म क्या होती है और अमॉर्फस फॉर्म क्या होती है, वो केमिस्ट्री में आप 9 क्लास में ऑलरेडी डिस्कस करके आ रहे हैं। यहाँ देखो फिर से बता रहे हैं आपको, क्रिस्टलाइन फॉर्म बेटा होती है किसी भी सॉलिड की होती है, यानी कंपाउंड की क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है हमारे पास। ठीक है, और वो हमेशा 3 डायमेंशन लैटिस होता है। 3 डायमेंशनल लैटिस का मतलब ये एक फिक्स्ड शेप होती है, यानी एक डेफिनेट पैटर्न होता है, जैसे कि डायमंड, डायमंड का एक डेफिनेट पैटर्न होता है, डायमंड भी एक क्रिस्टलाइन फॉर्म आती है, कार्बन की क्रिस्टलाइन फॉर्म है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप दूसरे सॉल्ट की बात करें, फॉर एग्जांपल NaCl की बात करता हूँ, NaCl एक सॉल्ट है, एक कंपाउंड है, उसकी जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है वो क्यूबिक फॉर्म में, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, अगर क्यूबिक फॉर्म में तो इस तरह के क्यूब बने हुए, यानी इसमें डेफिनेट पैटर्न है, क्यूब्स बने, बहुत सारे ऐसे क्यूब्स मिलकर एक पूरा लैटिस बनाएंगे, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाएंगे। देखिए 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, ये एक बॉक्स की मानिंद है, बॉक्स आपका एक 3D शेप होता है। ठीक है, तो 3D शेप को क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स कहते हैं, और उसको स्टडी करने को हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स करते हैं। इसको सॉलिड स्टेट का नाम क्यों दिया गया, इसको क्रिस्टलाइन फिजिक्स क्यों नहीं कहा गया, सॉलिड स्टेट नहीं कहा गया क्योंकि ऑफकोर्स जितने भी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स हैं वो सब के सब सॉलिड होते हैं, और इसके अलावा कोई क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर लिक्विड फॉर्म में नहीं पाया जाता। नाम में ही आपको उसका आंसर मिलेगा कि क्रिस्टल, क्रिस्टल इज समथिंग दैट इज सॉलिड, और सॉलिड की स्टडी को हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स का नाम यहाँ पर दे रहे हैं। इस तरह हमारी तमाम की तमाम ब्रांचेस इस लेक्चर में कंप्लीट हो चुकी है। 9 ब्रांचेस में आपसे कहा था कि 9 ब्रांचेस हम स्टडी करेंगे, और 9 हम स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको इस ब्रांचेस के हवाले से अगर कोई सवाल है तो काइंडली आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर नहीं है तो हम अपने लेक्चर को आगे प्रोसीड करें, और इसके फर्स्ट चैप्टर जो कि इंट्रोडक्शन का चैप्टर है उसके हम नेक्स्ट टॉपिक पे जा सकें। ठीक है, मैं आपको 2 मिनट्स टाइम दे रहा हूँ, इसमें आप देख लें कि आपको कोई सवाल अगर है तो आप काइंडली पूछ लें, अदरवाइज जो है हम लेक्चर को आगे बढ़ाएं। इट मीन्स आप लोगों को क्वेश्चन वगैरह नहीं है तो मैं आगे बढ़ता हूँ इसको लेकर। ठीक है, ये हमारी थी क्या कहते हैं ब्रांचेस। अब जो है जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है मुस्लिम साइंटिस्ट का, यानी फिजिक्स में मुस्लिम साइंटिस्ट का क्या कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, इसको स्टडी करेंगे, ये सेम एनालिसिस है जैसे कि आपने अपने 9th क्लास में पढ़ा था, बिल्कुल वैसे ही है। 9th क्लास में आपने केमिस्ट्री में पढ़ा था तमाम साइंटिस्ट को, और यहाँ पे आप फिजिक्स में पढ़ेंगे तमाम साइंटिस्ट को। ठीक है, मैं जरा ब्रीफली एनालिसिस करूंगा, फिर आपको ये असाइनमेंट करेंगे आपको कि आप जो है घर से जो है सर तमाम साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन लिख के लाए, आपकी बुक में मौजूद है, आप रीड आउट कर लेंगे तो वहां से भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अगर नहीं मिले तो आप बताइएगा, आपको हम यहाँ पर यहाँ से आपको ऑनलाइन दे देंगे। ठीक है, व्हाट्सएप के थ्रू मिल जाएगा आपको या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपको यहाँ पे हम दे देंगे। अच्छा, अब साइंटिस्ट की बात करते हैं, कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट।
बेसिकली ये है। और मैं यहाँ पर भी क्या करूंगा, मैं यहाँ पर मुस्लिम साइंटिस्ट के नेम्स मेंशन कर दूंगा जिनके बारे में आपने सर्च आउट करना है, आप पढ़ के आएंगे, थोड़ा बहुत आपको मैं यहाँ पर बता दूंगा। ठीक है, तो आइए, पहला जो साइंटिस्ट है आपके पास वो है इब्न हैतम। ठीक है, तो मैं साइंटिस्ट के नाम यहां मेंशन करता हूँ, आप लोग भी मेंशन कर लें अपने पास। पहला साइंटिस्ट है आपके पास इब्न हैतम। सेकेंड साइंटिस्ट आपके पास होगा याकूब अल गिंदी। ठीक है, और थर्ड साइंटिस्ट आपके पास होगा अल बैरूनी। और इवन यही साइंटिस्ट आपने मेरे हाथ से आपके पास थे डॉक्टर अब्दुल सलाम भी है आपके पास, और डॉक्टर अब्दुल कलीम खान भी है। नंबर फोर पे आ देता हूं, डॉक्टर अब्दुल सलाम और इनके नाम इसलिए मेंशन कर रहा हूं वो केवल कि आप जो है जैसे इसको देख के आए। ठीक है, डॉक्टर अब्दुल सलाम और डॉक्टर अब्दुल कदीर। ठीक है, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ये हमारे पास मुस्लिम साइंटिस्ट है। और इसके अलावा इन तमाम साइंटिस्ट के कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है जो कि आपने देखने हैं और करके आने हैं। मैं जरा ब्रीफली आपको कंट्रीब्यूशन बताता हूं, मैंने अपने पास नोट डाउन किए हैं और आप लोग चाहें तो आप लोगों को मैं शेयर भी कर दूंगा। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है इब्न हैतम। इब्न हैतम की जो कंट्रीब्यूशन है बेसिकली वो ज्यादातर हमारे पास फिजिक्स मैथ्स के अंदर है, और इसके अलावा मेडिसिन में भी उन्होंने काफी काम किया है। उनकी मशहूर किताब है किताबुल मनाजिर। ठीक है, इसको नोट डाउन करें अपने पास, इनकी मशहूर किताब है किताबुल मनाजिर। ठीक है, ये चीजें होती है एमसीक्यूज में आ जाती है, बच्चों को याद रखनी पड़ती है। किताबुल मनाजिर इनकी फेमस बुक है जो कि इन्होंने लिखी है। इसके अलावा इन्होंने पिन होल कैमरा याद किया हुआ है, बताऊंगा आपको। He discovered the nature of light and told that it is a kind of energy. इन्होंने nature of light को बयान किया है। इसके अलावा जो है इनकी काफी contribution है light के एतबार से। ठीक है, तो आप तीन चार चीजें याद रखनी है, इसके वजह से pinhole camera must याद रखें। pinhole camera यूं आप अपने पास भी short points बनाएंगे कि किसने इनके क्या है contribution है। जैसे कि मैं एक से दो के आपको करूंगा, बाकी कमी की बाइस एक दो मैं आपको करूंगा, बाकी ये तमाम के तमाम अल बैरूनी से लेकर अब्दुल कदीर खान, ये आपका होमवर्क होगा, याद करके आएंगे तो मैं आपको डिस्कस करूंगा और इंशाल्लाह क्लास में आपको बताऊंगा भी कि इन्होंने क्या क्या किया था। ठीक है, इससे होगा आपको इजी हो जाएगा, आप भी अपने पास घर में फ्री नहीं बैठेंगे और आपको तमाम चीजें ये समझ में आ जाएंगी कि साइंटिस्ट से क्या कंट्रीब्यूशन है। ये हमारे पास शॉर्ट में सवाल भी आता है जिसमें बच्चों से पूछा जाता है कि बताएं क्या कंट्रीब्यूशन है कि साइंटिस्ट का, इसकी किताब का नाम बताएं, और ये मोस्टली हमारे पास एमसीक्यूज वगैरह में भी पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अब इसको आगे लेके चलते हैं, हम चलेंगे याकूब अल गिंदी पे। इन्होंने क्या क्या किया हुआ है, he produced many research papers, monographs on metallurgy, special gravity and on tides। उन्होंने बेतहाशा रिसर्च पेपर लिखे हैं। तो इनका पहला पॉइंट क्या है कि आपने अभी लिख सकते हैं कि याकूब अल गिंदी ने मैनी रिसर्च पेपर्स लिखे, he has wrote many, your work on many research papers। ठीक है, मैंने रिसर्च की। इसके अलावा हिज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क वाज ऑन साउंड एंड ऑप्टिक्स, इसका मतलब इनकी
जो ब्रांच थी जिसमें उन्होंने काम किया वो साउंड एंड लाइट, साउंड लाइट मीन ऑप्टिक्स, इन्होंने साउंड और लाइट पे काम किया है। किसने? याकूब अल-किंदी की बात कर रहे हैं हम। तो आप इस तरह शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट बना के लिख सकते हैं ताकि आपको एग्जाम के वक्त जो है थोड़ा सा परेशानी ना हो। जो बच्चा प्रॉपर पॉइंट बनाए काम कर रहा है वो अच्छी बात है, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने ही आल्सो डिस्कस्ड द नेचर ऑफ साउंड, ही वर्क ऑन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, वन ऑफ हिज वर्क ऑन ऑप्टिक्स वॉज ट्रांसलेटेड इन टू लैटिन, ठीक है। ये सारी बातें, कोई इनकी किताब नहीं लिखी यहाँ पर तो मेंशन, अगर आपकी बुक में मेंशन हो किताब तो आप लाजमी वहां से लिखिएगा, ठीक है। हमारे पास सिर्फ ये लिखी हुई कुछ इसके पॉइंट्स लिखे हुए कंट्रीब्यूशन है जो कि मैंने खुद सर्च आउट किए हैं। और ही डिड कंसिडरेबल वर्क ऑन मेडिसिन टू, इनका काम मेडिसिन के अंदर भी बताया जाता है, ठीक है। नेचर ऑफ साउंड लिखिए, फिलहाल ही डिस्कस द नेचर ऑफ साउंड एज वेल। तो ये तीन टर्न के मंजर आम पे आए हैं, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आप बुक रीड करते हैं तो बुक रीड करना सबसे अच्छी बात है। आप टेक्स्ट बुक रीड करें, टेक्स्ट बुक में याकूब अल-किंदी के बारे में जो भी चीजें लिखी है आप उसको हाईलाइटर से हाईलाइट करें और बताएं कि आपने क्या क्या लिखा है। इससे क्या होगा, आपका फायदा होगा कि आप तमाम साइंटिस्ट के बारे में जितनी भी जानकारी है वो अपने पास समेट पाएंगे, ठीक है। तो यहां तक रखूंगा मैं आज की क्लास, जिसमें हमने आज फिजिक्स को दोबारा से डिटेल में स्टडी किया है और हमने तमाम ब्रांचेस को एक एक करके डिटेल में देखा है। और ये हमने जाना है कि इस तरह व्हाट रोल डज फिजिक्स प्ले इन आवर डेली लाइफ, इट इज इन्वॉल्व इन ऑलमोस्ट ऑल द फील्ड जिसमें फिजिक्स को हमने देखा, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, ऑप्टिक्स हो, साउंड हो, बायोफिजिक्स हो, एस्ट्रोफिजिक्स हो, एटॉमिक फिजिक्स हो, न्यूक्लियर फिजिक्स हो, मैकेनिक्स हो, सब में फिजिक्स ने अपना किरदार अदा किया है। इस तरह हमने फिजिक्स की इंपॉर्टेंस पढ़ी, हमने ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स का टॉपिक खत्म किया और ये लास्ट टॉपिक था फर्स्ट चैप्टर का, विच इज कंट्रीब्यूशंस ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट, जिसमें मैंने आपको पांच मुस्लिम साइंटिस्ट के नाम लिख दिए और दो के मैंने आपको कंट्रीब्यूशन बताया, बाकी थ्री साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन आप खुद सर्च आउट करेंगे अपनी बुक से, मार्क करें अपनी नोटबुक में मेंशन करें कि इस साइंटिस्ट के ये कंट्रीब्यूशन थे और इस साइंटिस्ट ने ये बुक लिखी, क्योंकि बुक का नाम और कंट्रीब्यूशंस ये लास्टली एमसीक्यूज में और सीआरटीज में पूछे जाते हैं। जैसे एमने सीनेस नहीं, मेरे ख्याल से उसकी जो किताब है वो भी मशहूर है काफी, वो भी एमसीक्यूज में पूछी जाती है। तो आप इसको अपने बुक से रीड आउट करें और जितने भी मुस्लिम साइंटिस्ट मिलते हैं आपको उसके बारे में लिखकर इस चैप्टर को हम वाइंड अप करेंगे। तो मेरे ख्याल से फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपके पास यही टॉपिक है जिसमें हमने मेन टॉपिक पढ़ा है ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट, मुस्लिम साइंटिस्ट एंड पाकिस्तानी साइंटिस्ट, ठीक है। और इस तरह हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है जो कि इंट्रोडक्शन का चैप्टर था वो हमारा फिजिक्स का खत्म हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से आप से ये कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे और हम जाएंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, विच इज चैप्टर नंबर 2 एंड दैट इज मेजरमेंट्स, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।